पारादीप में अगले दिनों में ये स्थिति को देखते हुए पारादीप में एक वेस्टर्न डॉक के माध्यम से 25-25 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो की क्षमता वाला 18 मीटर ड्राफ्ट वाला एक डॉक बनाने जा रहे हैं। 3000 करोड़ खर्च से बनने वाले इस डॉक में कैप वेसल्स आ पाएगी। कैप वेसल्स आएगी जो आज के दिन में देश में डीप ड्राफ्ट इतनी बड़ी वेसल्स नहीं आ सकती है, तो क्या करना पड़ता है, शिप को दूर खड़ी रखनी पड़ती है, वहां से बार्जिस के माध्यम से मिनरल्स समुद्र तट तक बंदरगाह तक लाया जाता है, वहां से हिंटरलैंड तक भेजा जाता है, इसलिए लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ती है। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो और पारादीप में जो फ्यूचरिस्टिक अपॉर्चुनिटी है उसको एनकेश करने के लिए ये जब डॉग बनेगा तो उसका बहुत बड़ा फायदा है। मोदी जी के ये विचारों को उससे चरितार्थ होना है कि ईस्टर्न कॉस्ट, ईस्टर्न पार्ट मतलब पारादीप, ये पूर्वोदय का द्वीप बनेगा। इस तरह से एक फ्यूचरिस्टिक प्लान के साथ आज मोदी जी ने, मोदी गवर्नमेंट ने इस प्लान को स्वीकृति दी है। कई ऐसे नए इनिशिएटिव इस मिनिस्ट्री के माध्यम से लिया जा रहा है। आज के दिन में देश में सैंड कंस्ट्रक्शन के लिए, फिलिंग के लिए सैंड का उपयोग किया जाता है। मोदी जी ने कहा था कि वेस्ट से बेस्ट हम कर सकते हैं क्या, वेस्ट मटेरियल का बेस्ट मटेरियल के रूप में उपयोग किया जा सकता है क्या। समुद्र में जब ड्रेजिंग होता है तो ड्रेजिंग जहां से ड्रेजिंग हो वहां से 16 नॉटिकल माइल दूर ये ड्रेज मटेरियल फेंक दिया जाता है। मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने ये निर्णय लिया कि ये ड्रेजिंग मटेरियल दुनिया में प्रैक्टिस है कि ड्रेजिंग मटेरियल को रिसाइकल करके रीयूज किया जाए। ये ड्रेजिंग मटेरियल को समुद्र तट पर लाके उसको रिसाइकल करके उसका उपयोग करना मिनिस्ट्री ने, बंदरगाहों ने शुरू कर दिया है। ये एफर्ट लास्ट साल से लिया गया है। आज मुझे कहते हुए खुशी हुई हो रही है कि 86 करोड़ रुपीस का ड्रेजिंग का वेस्ट मटेरियल बेच चुके हैं हम। अगले दिनों में उसको आगे बढ़ाते हुए परमानेंट मेरे यहाँ 1000 करोड़ जैसी कॉस्ट से मेंटेनेंस ड्रेजिंग होता है। ये मेंटेनेंस ड्रेजिंग का मटेरियल बेच के भी एक इनकम खड़ी करके हमारा बंदरगाह कौन सस्टेन करेंगे। बंदरगाह के पास इनकम होगी तो कार्गो कम रेट से हैंडल करेंगे, कार्गो कम रेट से हैंडल करेंगे तो लॉजिस्टिक कॉस्ट और कार्गो मूवमेंट का खर्च और बंदरगाह से कार्गो पर लगने वाला चार्ज कम होगा तो ज्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे।